हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरे घर पर चल रहा है पेंट का काम, और मैंने ये सुबह जल्दी ये सारा रूम साफ़ कर दिया था क्योंकि पेंटर बोल के गए थे कि हम नीचे करेंगे, हमें रूम खाली चाहिए, तो नीचे बेड वगैरह हैं खाली करने के लिए, तो मैंने ये साफ़ कर दिया है। अब इसमें लेके आएंगे सामान। सामान आप देख पा रहे, दिखाऊँ आपको कितना फैल रखा है सामान का। नीचे से ऊपर लेके आएंगे, फिर नीचे हो जाएगा जब, फिर ऊपर से नीचे लेके जाएंगे। इतनी आफत आ रखी है गाइस। मैंने ये पहले रूम साफ किया था, अब भाई साहब बोल रहे हैं कि इसमें सामान नहीं आएगा, दूसरा वाला रूम साफ करो। फिर मैंने गाइस बड़ा वाला रूम साफ किया है जिसमें सामान शिफ्ट भी कर दिया है हमने, क्योंकि अभी रुको एक मिनट, क्योंकि नीचे सामान ज़्यादा था बेड का, सेफ का, वो इस वाले रूम में आया है, वो दूसरे वाले रूम में नहीं आ रहा था। फिर मैंने ये जूने से फिर से साफ़ किया दूसरा वाला रूम। एक हाउस वाइफ ही समझ सकती हैं कि पेंट होने के बाद में कितनी दिक्कत होती है। पेंट करने वाले तो करके चले जाते हैं, नीचे से फिर धोना, उसको साफ करना, छुड़ाना। देखो मैं दिखाऊँ गाइस, देखो कितना सामान है ये। कोई ये तो सिर्फ अभी आधा है, अभी तो आना बाकी है गाइस। अभी तो काफ़ी नीचे भी है, क्योंकि वो उस वाले ये सामान उस वाले रूम में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने ये साफ़ किया है सारा, एक पोच पहले जूने से साफ़ किया, फिर पोचा लगाया, फिर पानी से, मतलब जैसे तैसे करके मैंने साफ़ कर दिया है। बहुत दिक्कत हुई थी, ऊपर से गर्मी बहुत। गाइस देखो सारा सामान बाहर पड़ा है, देखो सा बेड, कूलर, हर बार। अब ये फिर से साफ़ करना है, देखो जूना पड़ा है, जूने से घिसूँगी पहले इसको, तब जाके साफ़ करूँगी। और अभी तो ये बेड भी लगाना है सारा सारा। कितना काम होता है पेंट होने के बाद में, मुझे तब पता पड़ रहा है। गाइस पीयू की हो गई है गर्मी से तबीयत खराब, इसके उल्टियाँ, दस्त लग गए हैं। मैं काम में लगी थी थोड़ा साफ सफाई में, इसकी उल्टी दस्त गर्मी से, एक तो पेट हो रहा है उसकी वजह से, कहीं लेटने बैठने की नई व्यवस्था बन पा रही है। लगभग सभी बाहर हैं, और आप देख सकते हो मेरे पीछे का रूम या बड़ी मुश्किल से तो ये बेड सेट किया है, एक घंटे में तो बेड सेट हुआ है। गाइस इसको मौका मिलते ये करने लगता है कारिस्तानी। अभी देखो गाइस ये रूम साफ करना है, कितना गंदा हो रखा है ये। अभी फिर ये बेड भी लगाना है ये पे, ये सारे खाली हो गए हैं, ये भी साफ करने हैं। गाइस फाइनली अंदर से पेंट का काम ख़त्म हो गया, और देखो अभी सॉरी है सो रहा नहीं, मुझे ये धोने नहीं देता, इसलिए मैंने सारा सोफे कुर्सी वगैरह सारे धो दिया। सच पूछो तो आज लग रहा है कि हाँ हम वाटर पार्क में हैं, सारे में पानी पानी है, क्योंकि वाटर पार्क में तो जा नहीं सकते हैं, तो यहीं पे ही थोड़ा पानी चला के कर ले आज। गाइस अब हुई हूँ मैं घर को पूरे को साथ धो के, टाइम तो कितना हो रहा है, 4 बज रहे हैं 4 बजे फ्री हुई हूँ मैं, घर सारा धो के नहा के, बस अभी इस बेड पे भी गद्दा आने बाकी हैं, मैंने कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ, तभी वो सूख भी रहे हैं, तो गद्दे लेके आऊँगी तब जाके फ्री होंगी। फाइनली मेरा पेंट का काम हो गया, बस थोड़े बहुत जंगला बाकी हैं, विंडो बाकी हैं बस, और तो सारा कुछ हो गया इतनी गर्मी में। बट पीयू की तबीयत डाउन हो गई गर्मी की वजह से, क्योंकि हम कूलर वूलर लगा नहीं पाए थे, और सामान सारा फैला हुआ था, उसको हवा नहीं मिली, गर्मी से पीयू की तबीयत हो गई ख़राब।
कल भी दवा दिलवा के लेके आई हूँ, अब शाम को भी जाऊँगी दवा दिलवाने। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।